हाय गाइस, आप सभी का सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा सुहाना है, दैट मीन्स कि काफ़ी बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में मॉर्निंग से ही। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आईबीपीएस का जो पीटी कैंसिल हुआ है उसके पीछे का बेसिक रीज़न क्या है। आप सभी को पता होगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस हैं उसमें क्या है कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये आपके ओपन नहीं होंगे। आपको ये भी पता होगा कि जो पीटी होता है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है बेसिकली, ये SC ST कैंडिडेट्स के लिए होता है और इनका कॉल लेटर IBPS की साइट से लोग डाउनलोड करते हैं। तो इस बार जो है इसको कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि ये जितने भी चीज़ें होती हैं ये होती हैं आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। ओके, क्योंकि अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है इस तरीके की पीटी को कंडक्ट कराते हैं, IBPS के साथ उनका कोलेब्रेशन होता है और ये कम्प्लीटली फ्री होते थे उन सभी के लिए। तो इसमें कॉल लेटर लेकर जाना होता है और वहाँ पर जो क्लासेस हैं लाइक क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश, इसके आपको एक एक दो दो थोड़ा सा ब्रीफ और कुछ आपको चीज़ें पेपर वगैरह के मॉड्यूल में बताई जाती हैं। ओके, तो इस बार ये चीज़ नहीं हो रही तो बहुत लोग परेशान हैं कि अब आगे क्या होगा। IBPS क्या कोई बड़ा निर्णय लेगा, IBPS का एग्ज़ाम क्या पोस्टपोन्ड हो जाएगा, RRB का एग्ज़ाम 12 सितंबर को होगा या नहीं होगा, बहुत लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल हैं। तो मैं आपके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। पहला एक सवाल यह है कि ये PET कैंसिल हुई है तो इससे IBPS का जो RRB का एग्ज़ाम है इसके ऊपर दोस्तों कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो डेट आपकी अनाउंस कर दी गई है उसी डेट में मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम होंगे। एक दूसरा सवाल यह है कि क्या ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, दैट मीन्स कि कोई भी बस एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में नहीं जा पा रही है, तो इस वजह से बाकी के लोग एग्ज़ाम देने कैसे जाएंगे। देखो दोस्तों, अभी क्या है, आपको पता होगा कि नियर अबाउट 20th हमारा होने वाला है अगस्त में, और इस महीने में 10 दिन बचे हैं और 12 दिन वहाँ पर हैं, लगभग 22 दिन का टाइम बचा हुआ है। अभी एक बार और रिव्यू होगा और इसके बाद नई जो फ्रेश गाइडलाइंस आपकी सितंबर में जारी होंगी उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो स्टेट के बीच में कम्युनिकेशन है इसको दोस्तों ओपन किया जाएगा, और जो ट्रांसपोर्टेशन है अलग अलग राज्यों से एक राज्य में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए अलाउ किया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि 12 सितंबर तक आपको कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ जरूर मिल जाएगी जिसमें ये कहा जाएगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन मोड यहाँ से यहाँ तक का ओपन कर दिया गया है, आपके एग्जामिनेशन जो है फिर हो सकते हैं। ओके, दूसरा एक और आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा। देखो, अभी UP में एक एग्ज़ाम हुआ था BEd का। ओके, BEd के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि केवल UP के लोग ही आए थे, और भी अदर स्टेट के लोग भी आकर दिया था उन्होंने एग्ज़ाम। अब ऐसा था कि ऑल ओवर द UP एग्जामिनेशन सेंटर्स थे, कोई पर्सन इलाहाबाद का है उसने आकर मेरठ में, ठीक है, सहारनपुर में, यहाँ बाहर जाकर उसने एग्ज़ाम भी दिए थे, ठीक है। किसी का सेंटर इधर है तो उसका उधर कर दिया गया था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। वहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी हैं इन्होंने सारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इसको एक्टिवेट किया और काफ़ी हद तक जो है कन्वीनियंस प्रॉब्लम किसी को ना हो इसलिए ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी में बसेस इनको अरेंज कराया गया। तो आप ये मान के चलें कि 12 सितंबर से पहले पहले JEE और NEET भी एग्ज़ाम्स हैं, तो आपको वहाँ पर ही पता लगेगा कि JEE NEET में तो आपको पता है ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम है, ठीक है, अलग अलग जगह पर लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो वहाँ पर जो ये प्रॉब्लम आ रही है ये आपकी वहाँ पर आपको सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और मेरा जो वोट आपके लिए यही होगा कि आप बिल्कुल कंप्लीट ये तैयार हो जाओ कि एग्जामिनेशन हमारा 12 को हो रहा है। आप किसी भी होप में मत बैठो कि यार आगे डेट पोस्टपोन्ड होगी, मुझे आगे मौका मिलेगा, फिर से तैयारी नहीं हो पा रही है, जो भी है। अब जितने भी 12 20 22 दिन जो भी बचे हुए हैं इसमें जीतोड़ मेहनत करो, डेली मॉक टेस्ट बनाओ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक टेस्ट जो अवेलेबल है RRB PO RRB क्लियरिकल के लिए, सबसे पहले उसको तो आपको पता लगेगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। और उनके बहुत सारे और भी मिनी मॉक हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो लगभग आपको 20 मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के लिए देने को मिलेंगे। तो क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा है और मैं डेली बेसिस पर 30 नॉन स्टॉप जो क्लास करा रहा हूँ वो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट के करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन जैसा कि समय कम है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जाकर उस टाइप के टेस्ट को अटेम्प्ट करें और अपनी प्रिपरेशन को अगले स्टेप पर लेकर जाएं, और बीच बीच में जो अच्छे DI अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बिल्कुल टाइम बेकार मत करना इधर उधर के पचड़ों में पढ़कर कि ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं चाहूँगा कि आप क्वालिटी टाइम अपना पढ़ाई पर जो है इन्वेस्ट करें, उसको बेस मत करें इधर उधर, ठीक है। और बाकी आपके अगर और भी कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और, कुछ लोगों ने पूछा था कि सर एज रिलैक्सेशन का क्या होगा, आगे जो रिक्रूटमेंट आएंगे क्या उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जब आने वाले दिनों में लाइक जैसे SBI PO की आप सभी को उम्मीद है कि SBI PO में क्या एज क्राइटेरिया होगा, मैं तो ओवर एज हो जाऊंगा, मेरा तो लास्ट ईयर है इस बार, लास्ट सेम है, तो आई होप कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकलेगा। और उसके लिए भी कहना कोई जल्दबाजी होगी कि ये होगा वो होगा, जो ऑफिशियल मोड है दैट मीन्स कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसके बारे में ज़रूर सोचेंगी, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो ज़रूर इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी आपके लिए ही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो, डेली मॉक टेस्ट दो, कोशिश करो कि दो दो मॉक टेस्ट दो, दोनों को एनालाइज करो।
अब ये टाइम नहीं बचा है कि मतलब आप अपने सेक्शंस को जो है इम्प्रूव कर रहे हैं, अभी आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि मुझे कितना आता है, मॉक टेस्ट देने से पता चल जाएगा। फिर जो आपका थोड़ा ठीक टॉपिक है, दैट मीन्स कि जिसमें आपने थोड़ी सी मेहनत कर रखी है, आप उसे और भी अच्छा करें, ठीक है, तो क्या है कि भाई एग्जामिनेशन में आपको स्कोर अच्छा दिलाएगा। और ये अगर आप सोच रहे हैं कि क्या 22 दिनों में एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो पाएगा, तो मैं दोस्तों लिख कर दे सकता हूँ 100% क्वालिफाई हो जाएगा। एक छोटा सा फंडा आप अप्लाई करो, वो मैं आपको ये बता रहा हूँ। बेसिकली आपको क्या करना है, 7+8+9 ये तीन नंबर है, 7, 8, 9। 7, 8, 9 का मतलब ये है दोस्तों कि एटलीस्ट आपको 7 घंटे स्टडी अपनी करनी ही करनी है, 8 घंटे आपको प्रॉपर नींद लेनी ही लेनी है। तो 7 और 8, 15 घंटे आपके इधर ख़त्म हो गए, बचे कितने, 9 घंटे। अब इस 9 घंटे में दोस्तों आपको बाकी के काम करने हैं, और इसमें से अगर आप 1-2 घंटे और स्टडी के लिए निकाल पाए तो ये आपके लिए बोनस होगा। और मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूँगा, बस यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी करो, और हाँ डेली चैनल पर विजिट कर लिया करो, क्योंकि क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रही हैं। रीजनिंग के भी हम डेली सेक्शन अपलोड कर रहे हैं, 2-2, 3-3 पजल भी टाइमर के साथ में, प्लस क्वांट के अभी तक 3 एपिसोड पब्लिश हो चुके हैं, आप उनको देखें और उनको रफ सीट पर सॉल्व करें, स्पीड बढ़ाएं, क्वेश्चन के पैटर्न को समझें। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं प्रीलिम्स में पूछे आते हैं, आसान पूछे आते हैं, मैं आपको उसी के आसपास के लेवल की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि आपको डराना नहीं है कि मेंस लेवल का हाईएस्ट लेवल मैंने करा दिया और फिर आप लोग कह रहे हो यार अब तो मेरा प्रीलिम क्वालिफाई नहीं पाएगा। तो डरो मत, प्रीलिम्स में क्या है कि आप अपनी स्पीड को मेंटेन करो, एग्जामिनेशन में स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, पेपर आसान आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये कहा जाए कि 80-90% चांसेस यही है, ओके। लेकिन सिचुएशन कैसी हो सकती, कोई इसके लिए नहीं पहले से जो है वाकिफ होता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी स्ट्रेटजी जो है, अपनी तैयारी है, वो एग्जामिनेशन के हिसाब से चेंज करना। वैसे यही कहा जा सकता है कि पेपर जो है मतलब ठीक आएगा, आप वहाँ पर मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपकी स्पीड अगर अच्छी होगी तब, ओके। फिर दोस्तों हम फिर मिलेंगे आगे, और जैसा मैंने कहा कि काफ़ी बारिश हो रही है, और इस तरीके से अगले सेशन में हम लोग काफ़ी और भी बातें करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।